हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक तो हम रिज्यूम बनाने की पूरी प्रोसेस को समझेंगे, रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस चीज़ को आपको कहां पर प्लेस करना होगा। साथ ही यहां पर कुछ रिज्यूम के फॉर्मेट भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप रिज्यूम के फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मेट और कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मेट भी दे दूंगा, जिस तरीके से आप अपना रिज्यूम बनाना चाहें उस तरीके से आप अपना रिज्यूम तैयार कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रिज्यूम्स के फॉर्मेट हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। तो ये एक हमारा सिंगल पेज का सबसे सिंपल रिज्यूम है, तो हम इसे ओपन करते हैं। तो ये हमारा सबसे सिंपल रिज्यूम होता है। इसमें क्या, सबसे ऊपर हमारा एक हेडिंग लिखी होती है रिज्यूम, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, उसके बाद कैंडिडेट का एड्रेस, और एड्रेस पूरा फुल डिटेल में यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, अगर एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर होते हैं तो कॉमा लगा के यहाँ पर दूसरे मोबाइल नंबर को इस तरीके से यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट की ईमेल आईडी आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर एक अंडरलाइन आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, जिसमें आप इन फ्यूचर उस कंपनी जिसमें आप जॉब लेना चाहते हैं या फिर जो भी कोई कॉरपोरेट है उस क्षेत्र में आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स यहाँ पर इसमें लिख दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाती है, जिसमें आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जो भी किया होता है उसका बोर्ड और पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल फिर इंटर बीए एमए, और उसके बाद अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन अपेयरिंग में चल रही है तो वो यहाँ पर आप अपेयरिंग में डाल देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद कुछ आपके अदर क्वालिफिकेशन होती है, कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है, जैसे आपने कोई ट्रिपल सी वगैरह कर रखा है या फिर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसके नीचे यहाँ पर आपको एक और हेडिंग बढ़ा लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इसे या तो अदर क्वालिफिकेशन का नाम दे दीजिए या फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं कुछ तो इसे सर्टिफिकेट्स का नाम दे दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर आपकी जो भी अदर क्वालिफिकेशन है उसे यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अगर आपकी कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं होता तो यहाँ पर आप इसे सिंपली डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। एक्सपीरियंस लिखने का सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पर जैसे आपके एक साल का एक्सपीरियंस है तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए 1 ईयर एक्सपीरियंस, उसके बाद इन, उसके बाद अपनी कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी में आपने काम किया है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद एज ए, जिस भी पोस्ट पर आपने काम किया है वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता तो इसमें आप फ्रेशर ही रहने देंगे। उसके बाद अब आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें आप अपना फादर का नाम दर्ज करेंगे। यहाँ पर अगर आप अपनी मदर का नाम डालना चाहें तो मदर का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कॉलम को बढ़ा लेंगे, लेकिन मदर नेम कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करेंगे, जेंडर, अपना मैरिटल स्टेटस यानी आप शादीशुदा या नहीं है, उसके बाद नेशनलिटी, लैंग्वेज जो भी आप जानते हैं वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद हॉबीज़, अगर आप कोई हॉबीज़ होती है तो यहाँ पर टाइप कर देंगे, अदरवाइज आप इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाती है कि आपने जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके हिसाब से सही है और सत्य है। उसके बाद यहाँ पर डेट और प्लेस आ जाता है, जो कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता, ये ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद कैंडिडेट का अगेन से यहाँ पर नाम आ जाता है। तो यहाँ पर जब आप रिज्यूम को प्रिंट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जब भी आप किसी जगह रिज्यूम को जमा करते हैं तो उस जगह का नाम यहाँ पर आपको प्लेस में भर देना होता है पेन से, उसी डेट को आपको भर देना होता है जिस डेट को आप जमा करेंगे। और यहाँ पर जो कैंडिडेट के नीचे नाम लिखा होता है ना, इसके ऊपर आपको साइन करने होते हैं। तो जब भी आप रिज्यूम को सबमिट करते हैं तो वो यहाँ पर आपको साइन कर देने हैं, डेट डाल देनी है, प्लेस डाल देना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट हो गया है, ये हमारा फॉर्मेट है रिज्यूम को बनाने का। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएं, वैसे इन सारे जो फॉर्मेट हैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये हमारा सिंगल पेज का हो गया रिज्यूम। अब इससे एक स्टेप और ऊपर जाएं तो हमारा यहाँ पर सिंगल पेज का ही एक दूसरा रिज्यूम आ जाता है। इसमें क्या है, बाकी सारी डिटेल्स ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने थोड़ा सा फॉर्मेट को इसमें चेंज किया है। इसमें पहले हमने कैंडिडेट का नाम लिखा है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद एड्रेस को दर्ज किया है, एक अंडरलाइन करके करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, लेकिन हमने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें लिखी है इसमें हमने थोड़ा डिटेल में लिखा है। इसमें हमने कॉलम बना दिए हैं, इसमें कोर्स, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर और परसेंटेज। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने में इजी हो जाता है इंटरव्यूअर के लिए। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की हैं। तो ये हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस किया है, ऊपर यहाँ पर हमने नाम वगैरह में भी ये थोड़ा फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश की है। उसके बाद कोई अदर क्वालिफिकेशन होती है तो लास्ट रिज्यूम की तरह ही हमने इसमें दर्ज करने की कोशिश की है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, उसके बाद डेट एंड प्लेस, और यहाँ पर
कैंडिडेट का नाम अगेन से। तो ये हमारा दूसरा सिंपल फॉर्मेट है रिज्यूम का। तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर जाएं तो हमारा यहाँ पर आ जाता है दो पेज वाला रिज्यूम। तो दो पेज वाले में आप थोड़ी ज़्यादा डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो रिज्यूम को हम करिकुलम वीटे भी बोलते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में CV बोलते हैं। इसी का यहाँ पर सी ले लिया जाता है, उसका बी ले लिया जाता है, तो CV हो जाता है। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, जो हमने पहले दो रिज्यूम देखे थे उसमें यहाँ पर अगर आप फ़ोटो ऐड करना चाहें तो उसमें यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। ये जो है हमारा, यहाँ पर आप इंसर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर पिक्चर में जाके यहाँ पर अपना एक फ़ोटो ऐड कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद पिक्चर टूल्स में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट ब्रेपिंग पर क्लिक करेंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा करके इस साइड यहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद कोई और बॉर्डर लाइन लगाना चाहें या फिर जो भी देना चाहें, इस तरीके से ये हमारा फ़ोटो इसमें लग जाता है। और यहाँ पर दूसरे फॉर्मेट की बात करें तो इसमें हमारा फ़ोटो लगने की जगह नहीं है। वैसे चाहें तो यहाँ पर आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो हमारा ये वाला फॉर्मेट है इसे इस साइड में एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस साइड आप फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर फ़ोटो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे बीच में ही रहने दीजिए। बाकी फ़ोटो लगाना चाहें तो इसे यहाँ से सिलेक्ट करके इसे एक साइड से कर देंगे और यहाँ पर आप एक फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे में आ जाते हैं। तो यह हमारा दो पेज का रिज्यूम है। तो इसमें क्या है, हमने सबसे पहले तो सेम तरीके से अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी दिए। इसमें हमने एड्रेस यहाँ पर नहीं दिया है, एड्रेस पर्सनल डिटेल्स में दिया है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का एक फ़ोटो ऐड किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है हमने उसी तरीके से ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड की है। हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम भी ऐड कर दिया। तो हमारा यहाँ पर कोर्स, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड, पासिंग ईयर एंड परसेंटेज, तो ये हमने एक टेबल बना दी। उसके बाद यहाँ पर जब हम दो पेज का रिज्यूम बनाएंगे तो हमें उसमें थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड करनी पड़ेंगी। तो उसमें अगर आपके पास ज़्यादा डिटेल्स होती है तभी आप दो पेज का रिज्यूम बनाएं, अदरवाइज आप एक पेज का रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह हैं तो वो यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद इन्होंने जो अपनी कंप्यूटर स्किल्स हैं उनको एक एक बारीकी से मेंशन किया, जैसे पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, पेंट। यहाँ पर थोड़ा सा रिज्यूम को बड़ा बनाने की कोशिश की गई है, हालांकि ये एक पेज में आ जाता है, लेकिन इसे थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि हम इसे एक पॉइंट में भी लिख सकते थे, बाकी हमने इसमें सब अलग अलग करके लिखा है क्योंकि हमें ये दो पेज का रिज्यूम बनाना है। उसके बाद हमने एक हॉबीज़ का कॉलम बनाया है जो हमने दो तीन लाइन में यहाँ पर कवर किया है। उसके बाद अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेट्स का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद अब हमने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स की है। उसके बाद हमने पर्सनल डिटेल्स में ही नीचे एड्रेस मेंशन किया है। उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाती है, उसके बाद डेट, और यहाँ पर अगेन से कैंडिडेट का नाम। इसमें डेट के नीचे आप यहाँ पर प्लेस का एक कॉलम और बढ़ा लीजिए, तो ये हमारा प्लेस का कॉलम बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा दो पेज का एक सिंपल सा रिज्यूम हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एडवांस और बताने की कोशिश करूँ। तो मोस्टली जो लोग हैं वो तो यहाँ पर रिज्यूम जो मैंने फॉर्मेट वन दिखाया, टू दिखाया, थर्ड तक उनका काम हो जाता है, लेकिन और ही आपको थोड़ा एडवांस लेवल में थोड़ा और ही ऊपर जाना है तो आप इस वाले फॉर्मेट को ट्राई कर सकते हैं। वैसे ही सारे फॉर्मेट है लेकिन डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। ये जो हमारा रिज्यूम रहेगा टोटली तीन पेजेस का रहेगा, इसमें हर एक डिटेल्स को बारीकी से मेंशन किया जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है मैंने खुद से तैयार किया है, तो यहाँ पर ये डिजाइंस वगैरह सारी आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगी। उसमें यहाँ पर आपको फ़ोटो चेंज करना है, इस फ़ोटो को डिलीट करके इंसर्ट करके यहाँ पर आपको पिक्चर्स में आना है और यहाँ पर अपना दूसरा फ़ोटो अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर इसको हमने दो कॉलम में डिवाइड किया है इस पेज को। फर्स्ट कॉलम में हमने यहाँ पर डिटेल्स जो दिए उसमें आप देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स दिए, तो उसमें पर्सनल डिटेल्स में एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर होते हैं तो यहाँ पर हमने इसे एंटर करके आप दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद हमने यहाँ पर लिंक्डइन का URL भी दिया है। तो अगर आपके लिंक्डइन का URL होता अभी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली लिंक्डइन नहीं खुलेगा, लेकिन जब रिज्यूम बनाने के बाद हम इसे PDF में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही हमारी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ दर्ज की है, लैंग्वेज नोन, उसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर, ये आधार पैन नंबर ऑप्शनल रहेगा। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा लेफ्ट साइड का डेटा पूरा हो गया। उसके बाद हमने लेफ्ट साइड में सबसे पहले करियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हमने रिवर्स फॉर्मेट में लिखा है। सबसे पहले हमारी
लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद से पहले की क्वालिफिकेशन, उसको हमने रिवर्स फॉर्मेट में क्वालिफिकेशन को यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद जो भी स्किल्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए हैं, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मेट रहेगा 3 पेज का है, तो उसमें एक एक डिटेल्स को आपको बारीकी से मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद स्किल्स, उसके बाद हमने यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद स्ट्रेंथ, कुछ अवार्ड्स या फिर अचीवमेंट होती है तो वो यहाँ पर मेंशन किए हैं, उसके बाद कुछ वर्कशॉप या फिर वेबिनार अटेंड किए हैं उनकी डिटेल्स दी है, उसके बाद डिक्लेरेशन, और उसके बाद अगेन से यहाँ पर कैंडिडेट का नाम रहेगा। इसमें आप थोड़ा सा प्लेस और डेट का और ऐड कर लीजिएगा, तो ये इस तरीके से हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है आपके पास इतने अवार्ड्स या फिर अचीवमेंट नहीं हो, तो यहाँ पर आप इसे डिलीट कर करके इसे 2 पेज में भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा 3 पेज का फॉर्मेट होता है, तो इसे आप 2 पेज में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा फॉर्मेट हो गया। उसके बाद एक फॉर्मेट और है मेरे पास, इसे दिखाने की कोशिश करूँ, ये नर्सिंग का फॉर्मेट है, तो इसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये भी कुछ जो हमने पहले इससे जस्ट पहले वाला देखा था वो ये, बस इसमें डिजाइन नहीं है, बाकी यहाँ पर भी हमने पेज को 2 कॉलम में डिवाइड किया है, उसके बाद इस रिज्यूम को बनाने की कोशिश की है। तो इसमें भी सबसे पहले हमने कैंडिडेट का नाम, उसके बाद उनके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए, उसके बाद एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, उसके बाद पर्सनल स्किल्स, इक्विपमेंट जो हैंडल किए हैं क्योंकि ये नर्सिंग का है तो उस हिसाब से डिजाइन किया गया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स, हॉबीज, उसके बाद लैंग्वेजेस, उसके बाद राइट साइड में हमने यहाँ पर पर्सनल समरी ऐड की है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस ऐड किया है, की स्किल्स को ऐड किया है, उसके बाद नीचे यहाँ पर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स जो किए हैं अब तक पूरे उनको ऐड किया है, उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी हमने एक टेबल बनाकर उसमें यहाँ पर कोर्स ईयर और कॉलेज परसेंटेज वगैरह सारी डिटेल्स को कवर किया, उसके बाद अचीवमेंट, उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स दिए, जिसके बाद डिक्लेरेशन और यहाँ पर अगेन से कैंडिडेट का नाम। यहाँ पर चाहें तो इसमें आप प्लेस और डेट को और ऐड कर सकते हैं। रिज्यूम बनने के बाद अब आप इसे PDF में कन्वर्ट करना चाहें या फिर प्रिंट करना चाहें, प्रिंट करना चाहें तो डायरेक्टली आप इसे ओपन करके Ctrl+P का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसे PDF में चेंज करना चाहते हैं तो जिसे भी चेंज करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके इसे PDF 24 सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास PDF 24 सॉफ्टवेयर नहीं है तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन किसी ब्राउजर से Word to PDF में चेंज कर लेंगे। बाकी PDF 24 एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे आप ऑफलाइन मोड में PDF के कई सारे काम कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो हम यहाँ पर PDF 24 में इसे ओपन करते हैं, उसके बाद ओपन इन क्रिएट में करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 3 पेज का रिज्यूम आ गया है। यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, हम गुड क्वालिटी में से सेव कर लेते हैं, अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करके फाइल को नाम देंगे और यहाँ सेव कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारी PDF आ चुकी है, हम इसे ओपन करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं जो हमने एडवांस लेवल वाला रिज्यूम देखा था वो यहाँ पर आ गया है। अब जैसे मैंने आपको लिंक का बताया था, URL LinkedIn URL का, अब देख सकते हैं इस पर हमने जैसी PDF बनाई, अब हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, इसे अलाउ करेंगे तो डायरेक्टली हमारा ब्राउज़र में हमारी जो LinkedIn प्रोफाइल है वो खुल जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर कोई LinkedIn ID से लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करना पड़ेगा, कॉल में करेंगे तो डायरेक्टली जो LinkedIn का ऐप है उसमें ओपन हो जाएगी। तो ये सिंपल से फॉर्मेट थे, तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप एक रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। बाकी ये जो सारे रिज्यूम हैं यहाँ पर 5 फॉर्मेट, 5 फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद सारे फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट रहे उस फॉर्मेट में आप अपने लिए एक बेस्ट रिज्यूम या फिर कहें एक CV तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी डाउट रह जाता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।